सभी छात्रों का स्वागत है। विषय हिंदी की दो लघु कथाएं, दूसरी इकाई की तीसरा जो पाठ है दो लघु कथाएं, इसमें हरा घोड़ा यह कहानी हमने पिछले क्लास में देखी है। अब हम दूसरी जो कहानी है वह देखने वाले हैं। दूसरी कहानी का नाम है सेठ का चित्र। सेठ का चित्र, देखिए यह कहानी हम पढ़ते हैं, इसके साथ ही उसका अर्थ भी हम देखने वाले हैं। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, हमारे गांव में भी सेठ होता है उसी प्रकार एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था, कंजूस यानी कम खर्च करने वाला था। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। परेशानी नहीं तकलीफ देता था, जल्दी पैसे नहीं देता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। वो जो सेठ था उस सेठ ने अपना चित्र बनवाया। चित्र बनवाने के बाद क्या हुआ देखो आगे। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, सेठ बोला चित्र ठीक नहीं है। सेठ बोला क्या बोला देखिए, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा यह चित्र बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस से हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। देखिए सेठ ने कहा था चित्र बना, और चित्र बनाने के बाद सेठ का जो चित्र है चित्रकार ने सेठ को दिखाया। हर बार उस चित्र में यह चित्र ठीक नहीं है ऐसा बार बार कहता था और पैसे मांगने पर नहीं देता था। देखिए आगे क्या होता है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तगादा कर दिया। तगादा करना मांगना। यह जो चित्रकार ने चित्र निकाले थे, चित्र खींचे थे, चित्र तैयार किए थे, वह चित्र के पैसे चित्रकार मांग रहा था सेठ से। वह चित्रकार सेठ से पैसे मांगने के बाद भी सेठ पैसे नहीं देता था। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं कैसे किस बात के दूं। मेरा जो चित्र है वह चित्र ठीक तरह से बना ही नहीं है तो पैसे किस प्रकार किस बात के दे दूं मैं। वह ऐसी बात सेठ चित्रकार को कह देता है। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। जंग होने के कारण चित्रकार परेशान था। यह बात उसकी पत्नी ने देखी और उसकी पत्नी ने उसे पूछा, क्यों परेशान हो। उसके बाद चित्रकार ने जो सेठ का चित्र खींचा था, सेठ का दोबारा चित्र खींचा, उसके बाद भी पैसे नहीं दिए। ऐसा करने पर भी चित्रकार को पैसे नहीं मिले, यह बात अपनी पत्नी को चित्रकार बताता है। फिर भी पैसे नहीं मिले, इस बात से मैं परेशान हूँ, ऐसी बात चित्रकार अपनी पत्नी को बताता है। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। चित्रकार की जो पत्नी थी वो बुद्धिमान थी, होशियार थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फिरियाद कीजिए। वह अकबर बादशाह के दरबार में जाकर अपनी जो तकरार है वह तकरार आप अकबर बादशाह को बता दीजिए। ऐसी बात चित्रकार की पत्नी ने
चित्रकार को कह दी। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, उदास होना दुखी होना, दुखी हो गया था। चित्रकार उदास होकर लौट आया, वह मुंह लटका कर बैठ गया, बोला सेठ बड़ा आदमी है, सेठ जो है वो बड़ा बहुत बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि चित्रकार की जो बात है वह झूठी समझेंगे, क्योंकि सेठ जो है वह बहुत बड़ा आदमी है, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। मैं जो चित्रकार है वो बहुत गरीब था, और सेठ जो था बहुत अमीर आदमी था। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अकबर बादशाह तुम्हारी बात मानेंगे। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, बादशाह अकबर जो है वह दयालु है, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान है। अकबर बादशाह पढ़े लिखे नहीं है फिर भी बुद्धिमान है, ऐसी बात चित्रकार की पत्नी चित्रकार को कहती है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9-9 रत्न है, अकबर बादशाह को दरबार चलाने में मदद करने में 9 रत्न है, और 9 रत्न अकबर बादशाह को मदद करते हैं। आप वहां जाइए, अकबर बादशाह के दरबार में जाइए और अकबर बादशाह को अपनी जो बात है वो बताइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा, ऐसी बात चित्रकार की पत्नी कहती है। दूसरे दिन यह सुनने के बाद दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया। यह बात सुनकर चित्रकार अकबर बादशाह के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया, जो बात घटी है सेठ के और चित्रकार के बीच में जो बात घटी है ना, वह बात अकबर बादशाह को चित्रकार बता देता है। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह अकबर ने चित्रकार को जो चित्र सेठ के जो खींचे हैं तैयार किए हैं वह सभी चित्र लेकर बादशाह अकबर चित्रकार को दरबार में बुलाता है। किस्सा सुनाया, चित्रकार को वह सभी चित्र लेकर बुलाया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, बादशाह ने सेठ के जो चित्र खींचे थे चित्र तैयार किए थे सेठ के चित्र चित्रकार ने जो चित्र तैयार किए थे वह चित्र बादशाह अकबर ने देखे, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। बादशाह अकबर ने ही पूछा, हुजूर इनमें से एक भी चित्र हुआ मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा, देखिए सेठ क्या कहता है, सेठ को पूछने के बाद तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है सेठ को पूछा, तो सेठ ने कहा कि हुजूर इनमें एक भी चित्र मेरे जैसा नहीं है, हुबहू यानी जैसे का वैसा, जैसा दिखता है, जैसा सेठ जिस प्रकार से दिख रहा है उसी प्रकार का चित्र नहीं है, ऐसा सेठ कहता है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए, अकबर बादशाह मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि सेठ का एक भी चित्र नहीं है, न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे बादशाह अकबर, बड़ी देर तक विचार करते रहे कि सेठ का तो चित्र जो है हुबहू जैसे के वैसा नहीं है, फिर ये जो उलझन है वो किस प्रकार से सुलझाए। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा, और ने बीरबल से कहा कि जो कहानी चित्रकार ने सुनाई थी वही कहानी अकबर बादशाह के दरबार में रहने वाले जो बीरबल है उन्हें यह बात सुनाई। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी, बीरबल ने चित्रकार की सभी बातें ध्यान से सुनी। सुनने के बाद क्या कहा, तुरंत
समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है, निपुण यानी चतुर। सेठ जो है अपना चेहरा बार बार बदलता था, इसलिए सेठ का हूबहू चित्र तैयार नहीं होता था, निपुण है ऐसा कहते हैं। देखिए फिर बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद, सेठ जो था अपना चेहरा बदलने में निपुण था, चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा था। जो सेठ था ना, पैसे देने के लिए वह नाटक, हर बार नाटक कर रहा था। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है, उस सेठ को सही रास्ते पर लाने के लिए लाना जरूरी है। यह बात हर बार बीरबल बादशाह कर रहे थे। कला और कलाकार का सम्मान करने से, कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति और संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है, ऐसी बात बीरबल बताते हैं। कला में निपुण कलाकारों को इज्जत जहां होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। देखिए बीरबल बादशाह क्या कहते हैं, कला में निपुण, कला में चतुर होने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी जहां इज्जत होती है वहीं देश विश्व में, जग में, पूरे विश्व में वह प्रसिद्ध होता है, विख्यात होता है, क्या देनी प्रसिद्ध होता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। जो चित्र में जो कुछ कमियां हैं वह बीरबल ने चित्रकार को बताई। 3 दिन बाद सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। देखिए बीरबल ने फिर चित्रकार से कहा कि हूबहू चित्र बनाकर सेठ का लाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। 3 दिन के बाद सेठ और चित्रकार दोनों भी दरबार में आते हैं। हूबहू चित्र बनाना है ना, इसीलिए सभी दोनों भी दरबार में आते हैं। सेठ घर चला गया, सेठ जो था दरबार में से घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। चित्रकार ने देखे क्या कहा, चित्रकार को बीरबल ने कहा कि 3 दिन बाद आते वक्त बड़ा सा एक दर्पण लेकर आओ। दर्पण यानी मराठी में उसे कहते हम आरसा, आरसा दर्पण लेकर आओ। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आए, चित्रकार जो था 3 दिन बाद दरबार में आ गया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। चित्रकार सेठ के सामने क्या लेकर बैठा है, दर्पण लेकर बैठा है और दर्पण लेकर सेठ को बोला, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर, अपना जो प्रतिबिंब है उस आईने में यानी दर्पण में देखकर बोला, परंतु ये तो दर्पण है, ये तो दर्पण है, चित्र नहीं है। नहीं, यही तो असली चित्र है। देखिए चित्रकार क्या कहता है, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं। सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़ने पर बहुत लज्जित हुआ। देखिए चित्रकार जो था, चित्रकार का जो, चित्रकार ने जो सेठ का चित्र बनाया था ना, वह दर्पणी उस चित्र को दिखाया था और सेठ जी की जो चालाकी थी वह पकड़ी गई थी, इसीलिए सेठ लज्जित हुआ था, शर्माया हुआ था। उसने
चित्रकार को उसका मेहनताना मेहनताना यानी पारिश्रमिक यानी परिश्रम जो चित्रकार ने सेठ को जो जो भी चित्र खींचे थे तैयार किए थे उस चित्र के पैसे दे दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। चित्रकार अकबर बादशाह को और बीरबल को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। देखिए बादशाह ने जो उलझन में पड़ गए थे सेठ के और चित्रकार के बातों में जो कुछ उलझन में पड़ गए थे वह सुनकर उलझन को सुलझाया था। इसीलिए बादशाह अकबर बीरबल पर खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बादशाह अकबर की जो प्रत्येक समस्या जो थी हर एक समस्या का समाधान यानी हल जो है वह बीरबल ही निकाल देते। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से जो कुछ समस्या है उस पर अपनी बुद्धिमानी से चतुराई से चालाकी से उस पर हल निकालते थे। यहाँ भी बीरबल ने इस कहानी में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। देखिए सही न्याय कर दिया था। दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी सही न्याय करना। देखिए इस कहानी में बीरबल ने सेठ को चित्रकार के जो पैसे थे वो दिला दिए थे